हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरत। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है गीजर वाटर हीटर के बारे में। फ्रेंड्स, आपको आप बाथरूम का अंदर जब भी आप कोई गीजर वाटर हीटर आप लगाते हो, चाहे वो इंस्टेंट गीजर होने दो, चाहे टैंकलेस गीजर होने दो, चाहे गैस गीजर होने दो, फ्रेंड्स आपका घर में अगर पहले से कोई गीजर लगा है उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, कभी शॉक लगता है, कोई भी पानी का नल को टच करने से शॉक आता है, और दूसरा कभी कभी गीजर हीटिंग नहीं होता है, और फ्रेंड्स कभी कभी गीजर में स्लो पानी आता है, और ये जितने सारे गीजर का जो ये प्रॉब्लम है इसी वीडियो में मैं आपको सॉल्व करने को कोशिश करूंगा। और दूसरा चीज क्या है, आपको कौन सा गीजर लेना चाहिए, गीजर के बारे में पूरा जानकारी आपको होना चाहिए। अगर आपको बाथरूम में पहले से गीजर नहीं है, आपको लेना चाहते हो, तो कौन सा लेना चाहिए, इस वीडियो में मैं पूरा गीजर के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक तो फ्रेंड्स जरूर करना, वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना। फ्रेंड्स, ये तकलीफ कभी भी आपको फेस करना पड़ सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने पहले से बाथरूम में गीजर नहीं है तो आपको लेना चाहते हो, फ्रेंड्स तीन क्वालिटी का जो है गीजर आता है, तीन टैंक आता है, एक तो स्टील टैंक और एक इसका अंदर सेरामिक टैंक, इसका अंदर और एक आता है कॉपर टैंक। फ्रेंड्स ये जो अगर इस टाइप का जो गीजर है, ये तीन टैंक आता है उसमें, सेरामिक, कॉपर और स्टील। स्टील टैंक का जो है प्राइस थोड़ा कम होता है, सेरामिक का उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और कॉपर जो है सबसे ज़्यादा होता है। और कॉपर टैंक का क्या है, रीसेल वैल्यू है, और बाकी स्टील और सेरामिक का इसमें से रीसेल वैल्यू नहीं रहता है। फ्रेंड्स जब भी आपको लेना चाहते हो, आपका मेंबर के हिसाब से कितना कैपेसिटी का लेना है, 15 लीटर का लेना है या 10 लीटर का लेना है या 20 लीटर का या 25 या 35, जो भी आपको कैपेसिटी का हिसाब से। फ्रेंड्स अगर आपका 15 मिनट से 20 मिनट इसको ऑन करना है, अगर एक बार ये टैंक हीट हो गया तो आपको तीन आदमी चार आदमी नहा सकते, अगर 15 लीटर हुआ तो भी दो आदमी, 20 लीटर हुआ तो तीन आदमी, 25 लीटर हुआ तो इस हिसाब से आपको कितना पानी यूज होता है। इस टाइप का एक बार हीट हुआ तो इलेक्ट्रिक बिल भी कम आता है, 15-20 मिनट में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज आता है उतना ही इसमें ये हीट हो जाता है। फ्रेंड्स और एक गीजर जो होता है इंस्टेंट गीजर, इंस्टेंट गीजर क्या होता है, रनिंग में पानी को हीट करता है, वो एक लीटर का कैपेसिटी होता है, दो लीटर का होता है, तीन लीटर का होता है, चार लीटर, पाँच लीटर का भी होता है। फ्रेंड्स आपको इंस्टेंट गीजर लेना बोले तो आपको जितना पहले स्विच ऑन करके आपको नहाना पड़ता है, 1 लीटर पानी गर्म हो गया तो उसके साथ साथ पानी गर्म होता जाएगा और आपको नहाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, जितना टाइम तक आप यूज करोगे उतना टाइम तक आपका इलेक्ट्रिक रन होता रहेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक बिल थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आप जितना टाइम क्यों वो रनिंग में रहना पड़ता है। इंस्टेंट गीजर का काम यही है। फ्रेंड्स अगर गैस गीजर है, गैस गीजर भी वो रनिंग में पानी को हीट करता है, गैस खत्म होता जाएगा तो गैस गीजर जो होता है। और दूसरा जो होता है टैंकलेस गीजर, जिसमें टैंक नहीं रहता, वो डायरेक्ट वो क्या है, एक लीटर कैपेसिटी भी नहीं रहता, ये इंस्टेंट में एक लीटर रहता है, लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्ट आपने ऑन किया और नहाना शुरू करना है, वो करीब 2-3 सेकंड में पानी चालू हो जाता है गर्म पानी। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक बिल भी ठीक ठाक आता है, और दूसरा चीज़ क्या है, आपको इजी से भी उसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपका घर में इस टाइप का गीजर लगा हुआ है, आप लोग का बहुत सारी कमेंट था कि गीजर पानी हीट नहीं हो रहा है। हीट नहीं होने का मतलब, गर्म पानी नहीं आने का मतलब क्या है, पहले स्विच ऑन करो, अगर आपको इसके यहाँ पर इंडिकेटर लाइट जलना शुरू किया, अगर यहाँ पर इंडिकेटर लाइट जल रहा है तो आपको गीजर हीट हो रहा है। अगर जलने के बावजूद भी अगर हीटिंग नहीं हो रहा है तो इसका कॉइल जा चुका है, कॉइल चला गया तो ये गीजर हीट नहीं होता। दूसरा चीज़ का, अगर इंडिकेटर यहाँ नहीं जलता है तो स्विच को पहले चेक करो, क्योंकि हम बार बार यूज करते हैं, जो 32 एम का होने दो, चाहे 20 एम का होने दो, 30 एम का होने दो, जो भी स्विच डाला हो गीजर ऑन करने के लिए, अगर वो स्विच बार बार ऑन करने के बाद वो कार्बन हो जाता है, जिसके वजह से स्विच ऑन करने पर भी इधर लाइट नहीं आता है। फ्रेंड्स दूसरा चीज़ क्या है, कभी भी ध्यान रखो, गीजर आपको घर बाथरूम में यूज करते हो तो फर्स्ट स्विच ऑन करने के बाद ये जो इंडिकेटर लाइट है, फ्रेंड्स देखिए अभी मैंने ऑन किया हूँ, ये ऑन करने पर ये दो लाइट जलेगा, एक रेड एक ऑरेंज, हो सकता है रेड ग्रीन भी हो सकता है, आपका घर में गीजर के हिसाब से आपका अलग अलग कलर जो रहता है, ग्रीन और रेड। अभी मैंने दो गीजर को ऑन किया तो ये दो लाइट जलना शुरू हो गया, अभी गीजर फुल हीट हो चुका है, जिसकी वजह से रेड ऑफ हो गया, ग्रीन जो ऑरेंज जो है जल रहा है। फ्रेंड्स इसका मतलब, इसका गीजर का अंदर जो एक थर्मोस्टेटर लगा रहता है, जिसका काम है गीजर को ऑटो कट करना। ऑटो कट मतलब क्या है, गीजर जब पूरा हीट हो जाएगा तो उसको क्या करता है, ऑफ कर देता है, फिर थोड़ा सा ठंडा पानी आने के बाद ऑटोमेटिक चालू करता है। तो वो थर्मोस्टेटर अगर खराब हो गया तो आपको गीजर को जो है कंस्टेंट करंट चलता रहेगा, जिसके वजह से वो हीटिंग कॉइल चलता रहेगा,
और ऑटो कट नहीं होगा। अगर आपने 15 मिनट छोड़ के आपने ऑन करके रहा के छिले गए भूल गए तो ये फुल गीजर जो है हीट हो जाता है, हीट होके गैस होके ये पाइप को फोड़ देता है। ये जो पीवीसी पाइप अगर लगा होगा तो ये पीवीसी कनेक्शन पाइप को फुला देता है और फोड़ देता है। अगर आपका ये पीवीसी पाइप ना लगा के यहाँ पे आयरन पाइप अगर लगा होगा तो ये क्या करता है, टैंक को भी डैमेज कर देता है या टैंक को भी भ्रष्ट कर सकता है। इसीलिए कभी भी आप देखो ये ऑटो कट आपका गीजर में गीजर काम नहीं कर रहा है तो आपको तुरंत इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसका ऑटो कट को देखो, चेक करो। और दूसरा चीज क्या है, इसका जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर को भी आपको चेक कर, अगर इंडिकेटर कट गया कुछ भी हुआ तो इंडिकेटर को भी आप बदल सकते हो। ये जो दो चीज को आपको ध्यान रखना है, थर्मोस्टेटर और इंडिकेटर, कभी भी गीजर इस तरह का प्रॉब्लम दिया तो। फ्रेंड्स ये तो हो गया जो इंडिकेटर है और जो थर्मोस्टेटर का ऑटो कोट, कभी भी ये ऑटो कोट और थर्मोस्टेटर ये दोनों को ध्यान रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे एनआरबी लगा रहता है, एनआरबी काम क्या है, नॉन रिटर्न वाल्व। ये क्या होता है, ठंडा पानी को अंदर छोड़ता है, रिवर्स नहीं आता है। फ्रेंड्स अगर ये एनआरबी खराब हो गया, कभी कभी आपने नोटिस किए होंगे आपका बाथरूम में जहां शावर मिक्सचर में गर्म पानी आना चाहिए या वॉश बेसिन में आना चाहिए, फिर ये सारो जितने सारे टैप है फ्लास में हैंड स्प्रे में इसमें भी आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब आपका गीजर का जो थर्मोस्टेटर है, सॉरी ये जो एनआरबी है, वो एनआरबी जो है खराब हो चुका है, इसको तुरंत बदल दो। एनआरबी अगर खराब हो गया तो ये पानी को रिवर्स छोड़ता है, इसलिए इसको तुरंत चेंज कर दो। ये जहां पे गर्म पानी आना चाहिए वहीं आएगा, बाकी नल में नहीं आता। और एक फ्रेंड्स क्या है, जो स्विच ऑन करने पर भी ये पानी हीट नहीं होता, गर्म नहीं होता है। फ्रेंड्स इसका कॉयल अगर चला गया तो ये कभी भी हीटिंग नहीं होगा, इसलिए कॉयल बदलना पड़ता। अगर कॉयल शॉर्ट हो गया तो क्या होता है, यहाँ पे करंट आता है। ये जो नल है लगा है, ये नल में क्या होता है, आपने जब आप पानी ऑन करने के लिए टच करोगे हल्का सा करंट आएगा, उसमें क्या होता है कॉयल शॉर्ट हो जाता है। आप तुरंत इलेक्ट्रिशियन को बुला के कॉयल को चेंज करना है। फ्रेंड्स क्या होता है, ज्यादा देर तक कभी कभी ज्यादा देर तक मान लीजिए आधा घंटा चालू किया गीजर फिर भी हीटिंग नहीं हो रहा, हल्का सा हीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा पुराना होने के बाद आपका गीजर जो उसका कॉयल अंदर है और अंदर कॉयल जो है हीट होके होके उसका ऊपर एक लेयर बैठ जाता है व्हाइट कलर का, पानी को गर्म करने के बाद जो हार्ड वाटर का एक लेयर बैठता है वो कॉयल का ऊपर बैठ जाता है, जिसके वजह से कॉयल जब हीट होता है उसको बाहर स्प्रेड नहीं करता हीटिंग को, जिसके वजह से वो जो लेयर बैठा है वो ज्यादा वो हीट होने के बाद जाके पानी को हीट करेगा, इसलिए आपको लेट होता है। इसलिए उस टाइम में क्या करना है, या तो कॉयल अच्छा है तो कॉयल को खोल के किसी इलेक्ट्रिशियन से वो कॉयल को ऊपर से क्लीन करना पड़ता है, वो हार्ड वाटर को निकालना पड़ता है, निकाल के फिर फिट किया जाए बराबर होगा, या तो कॉयल ही बदल देना। तो इस तरह का जो है आप अपना बाथरूम का अंदर गीजर को, मैंने बोला ये चीज सभी ध्यान रखना जरूरी है। फ्रेंड्स और एक चीज क्या है, गीजर को यूज करते हैं कैसे यूज करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स अभी ये गीजर लगा है, यहाँ कोल्ड लाइन अंदर गया है और हॉट लाइन की वजह से इस टाइप से आके वॉल मिक्सर को आया है, यहाँ शावर मिक्सर लगा हुआ है, शावर मिक्सर आया, चाहे तो आपका कनेक्शन वॉश बेसिन को भी जा सकता है। तो आपको क्या करना है, आप लोग क्या करते हो, पहले बकेट में पानी गर्म पानी को निकाल देते हो, उसके बाद ठंडा पानी को निकालते हो, फिर दोनों को मिक्स करके नहाते हो। फ्रेंड्स ये जो शावर मिक्सर दिया गया है ये क्या करता है, गर्म ठंडा पानी को मिलाता है। आपको कैसे, पहले फर्स्ट जो है गर्म पानी ऑन करो, उसके बाद ठंडा पानी को ऑन करो, आपको देखो कितना कैपेसिटी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा गर्म आ रहा है तो गर्म पानी को थोड़ा सा क्लोज करो, अगर और ज़्यादा आ रहा है तो भी थोड़ा सा क्लोज करो, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा गर्म पानी आएगा, ज़्यादा ठंडा पानी आएगा, मिक्स हो गया तो आपको बिल्कुल परफेक्ट आएगा। फर्स्ट ये दोनों को मिक्स करना है यहाँ से, गर्म और ठंडा को, फिर जैसे यहाँ पर अगर करेक्ट पानी आना शुरू हुआ तो फिर आपको शावर में चालू कर सकते हो। शावर में जब इस तरह बल्ब को, शावर बल्ब को ओपन कर दोगे तो यहाँ आना शुरू हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स क्या होता है, कभी भी तो आप बोल रहे हो शावर में गर्म पानी नहीं आ रहा है, गर्म पानी आता है, आपको मिक्स करना, ये जो टेक्निक है मिक्स करना पड़ता है। कभी कभी डायमीटर लगा रहता है, डायमीटर में भी थोड़ा सा मिक्स करना है, उसी तरह गर्म ठंडा को कैसे मिक्स करना है वो भी है, उसको भी मिक्स कर सकते हो। अगर नहीं है तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसका अपलोड करूंगा। फ्रेंड्स इसी तरह का जो गीजर का जो प्रॉब्लम है पूरा डिटेल बताया, क्या क्या प्रॉब्लम आता है और किस तरह उसको सॉल्व करना चाहिए। तो ये जो है कभी भी गीजर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा एक सलाह है क्या है कि आप 15 मिनट पहले ऑन कर दो गीजर को, अगर आपका स्टोरेज टैंक है तो हीट होने बाद ऑफ करके नहाओ। चलो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक तो फ्रेंड्स जरूर करना।